Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu. This is Ramesh, and today we are going to discuss the second personality of our series, that is personality for UPSC. And this series would be relevant for both the prelims as well as the mains GS paper 1. And the personality which we are going to discuss today is Bhagat Singh. जब भगत सिंह के बारे में हम बात करते हैं तो आपने भगत सिंह के बारे में यह सुना होगा कि भगत सिंह एक शहीद थे जिसे बहुत कम उम्र में फांसी दे दी गई और वो एक रेवोल्यूशनरी थे और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें भगत सिंह के बारे में, पर ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी चीजें हैं भगत सिंह के बारे में जो जानना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दोज थिंग्स। व्हाट वॉज हिज थॉट प्रोसेस, what was his philosophy, what was his contribution, और वो इतना famous कैसे हुए और क्यों हुए। तो इस वीडियो से हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएं हम, ताकि आपको भगत सिंह की ये revolutionary stories के अलावा और भी जो चीजें हैं वो भी पता चले और आपके सामने आए। तो let's start. तो his life events, we'll start off from his birth और हम 1931 तक देखेंगे जब उन्हें फांसी दे दी गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि उनकी उम्र 23 साल 7 महीने 23 दिन, अप्रॉक्सिमेटली 24 इयर्स, 24 साल अप्रॉक्सिमेटली, इतने उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिज बर्थ। ही वॉज बॉर्न इन 27 सितंबर 1907 इन टू अ सिख फैमिली इन पंजाब। एक सिख फैमिली में पैदाइश होती है उनकी, पंजाब प्रोविंस पे, नाउ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। उनके माता पिता का नाम किशन सिंह एंड विद्यावती कौर है। ही स्टडीड एट डीएवी कॉलेज एंड नेशनल कॉलेज लाहौर। लाहौर में उनकी पढ़ाई हुई, वो स्टडीज अपनी वहां पे कंप्लीट करी है उन्होंने। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। ही रेड एक्सटेंसिवली, बहुत पढ़ा है उन्होंने, एंड स्पेशली द यूरोपियन ऑथर्स को भी बहुत पढ़ा है उन्होंने। विल सी टू इट इन द कमिंग स्लाइड्स। Grew up in an atmosphere which molded him towards nationalistic ideals and patriotism. वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। His parents were already involved in the freedom movements. तो जैसे जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है वो सारी चीजें वो देखते आए हैं और उस तरह से वो सारी चीजें उनके दिमाग में चीजों ने इफेक्ट करी हैं। तो स्टार्टिंग से ही गॉट मोल्डेड टूवर्ड्स पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिस्टिक आइडियल्स, क्योंकि वो घर पे ही देखने को मिल रहा है, उनकी शुरुआत घर से ही हो रही है और वो घर पे ही बचपन से देख रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय गांधीज फ्रीडम मूवमेंट, गांधी की मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एज महात्मा गांधी वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो इंडिया आने के बाद 1914-15 के बाद जब वो इंडिया आते हैं तो वो बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और गांधी जी के जितने भी मूवमेंट थे उनसे बहुत ज्यादा वो आकर्षित थे, प्रेरित थे। He was very much inspired by it. Supported Congress Party and non-cooperation movement. Congress को भी support करते थे और non-cooperation movement जो 1920s के अंदर हुआ है उसे भी support किया। But जैसे ही non-cooperation movement withdraw कर लेते हैं गांधी जी, उसके बाद he gets deflected towards revolutionary act movements. फिर वो अपनी revolutionary activities की तरफ deflect हो जाते हैं और जितने भी वो क्रांतिकारी जो भी काम है वो करने स्टार्ट करते हैं। डीपली अफेक्टेड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, व्हेन जनरल डायर ओपन फायरिंग करवा दिया था उन्होंने पब्लिक पे, विद इन अ कंपाउंड, विद इन अ प्रमाइसिस। लोगों को भागने की भी जगह नहीं मिल रही थी, लोग छुपने के लिए वहां के एक कुएं पे कूद रहे थे जस्ट टू सेव देयर लाइफ। इतनी दर्दनाक ये इंसिडेंट है एंड दिस इंसिडेंट डीपली अफेक्टेड हिम, बहुत ज्यादा चोट पहुंचा इस इंसिडेंट से उन्हें और उनके और वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ स्टार्टेड टू गेट डिफ्लेक्टेड और उधर आकर्षित होने लगे। ही रेड एक्सटेंसिवली अबाउट यूरोपियन ऑथर्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि पढ़ने का बहुत शौक था उन्हें और वो पढ़ते भी थे बहुत ज्यादा, और यूरोपियन ऑथर्स स्पेशली वो ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि यूरोप वॉज अ डेवलप्ड कंटिनेंट और जितने भी सारे डेवलपमेंट हो रहे थे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सोसाइटी, जितने भी नए फिलोसोफीज आ रहे थे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये सब चीजें वो पढ़ रहे थे।
inspired by Russian Revolution and Marxist socialist ideologies. He was very much inspired by Russian Revolution. Russian Revolution से वो बहुत ज़्यादा inspired थे. Lenin से बहुत ज़्यादा inspired थे. Lenin के बारे में वो पढ़ते भी थे. और Marxist socialist ideologies को वो follow करते थे. He imbibed Marxist socialist या socialism in him, and he was totally against capitalist ideology. बहुत capitalism के against थे. Starting से ही, from the beginning, he was very much attracted towards the peasants and the workers, their miseries, their problems. तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पहले ही वो attracted थे उनके तरफ, कि इनकी परेशानियों की तरफ, कि how to solve the problem of these people. ठीक है, कि ये ही ज्यादा. और capitalist जो थे ideology है उनमें इन peasants की, workers की, इनके rights को सराहा नहीं जाता है, इनके rights को सामने रखा नहीं जाता है. तो दैट्स वाई ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर द मिजरीज ऑफ द पेशेंट्स एंड द वर्कर्स. ही वॉज एन एथिस्ट थे वो. ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड. और इसके पीछे भी एक कारण है कि जितनी भी रिलीजन है या जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनमें इतने सारे रिचुअल्स हैं, बाइगोट्रीज हैं, इन सबसे वो ही वॉज डीपली सैडेंड बाई दीज बाइगोट्रीज एंड रिचुअल्स. तो इन सब चीजों से वो अपने आप को ही टोटली केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम इट, और दूर कर दिया अपने आप को, एंड ही बिकेम एन एथिस्ट. और इससे रिलेटेड उन्होंने एक किताब भी लिखी है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट. और इस किताब में उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्यों वो एथिस्ट बने हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. ही रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड इन स्लेव इंडिया. शादी करने से उन्होंने मना कर दी, वो शादी नहीं किए थे. ही वॉज अनमैरिड. He did not marry because वो नहीं चाहते थे कि वो एक गुलाम देश में या गुलाम भारत में शादी करें. Founded नौजवान भारत in 1926 by including the peasants and workers. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, he was deeply saddened, या he was deeply attracted. He wanted to solve the miseries of the peasants and workers. तो इसीलिए अपने organization में उनको include किया, नौजवान भारत in 1926. Founded Hindustan Republican Socialist Association in 1928. As he was inspired by the socialist ideology, तो ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928, विच वॉज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज. टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय वॉन्टेड टू किल जेम्स स्कॉट बट मिस्टेकनली किल्ड जेपी सॉन्डर्स. ऐसा होता है कि साइमन कमीशन जब आते 1927 के टाइम पे, तो उस टाइम पीरियड के बाद साइमन कमीशन को सब इसके अगेंस्ट थे. पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. और उस प्रोटेस्ट मूवमेंट में लाला लाजपत राय फ्रंट पे खड़े होते. ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, वॉज लीडिंग द प्रोटेस्ट मूवमेंट. तो उन्हें जब उनके ऊपर लाठी चार्ज होती है, तो एक लाठी उनके सर पे लगता है, एंड बाय दिस उस टाइम उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है. तो इंजर्ड होने के बाद वो ही कुड नॉट रेजिस्ट इट, और उनकी डेथ हो जाती है. और इस डेथ से भगत सिंह को बहुत चोट पहुंचती है. ही वॉज डीपली सैडन बाई इट, एंड ही वॉन्टेड टू अवेंज द मर्डर, या मर्डर बोल सकते हैं, या डेथ ऑफ लाला लाजपत राय. तो दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू किल जेम्स स्कॉट द सुपरिटेंडेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट गलती से वो जेपी सॉन्डर्स को मार देते हैं. बट गलती से सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर इज किल्ड थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली इन 1928. देखिए, ये बॉम्ब जो उन्होंने फेंका था 1928 के सेंट्रल असेंबली पे, दिल्ली पे, तो उन्होंने उनकी जो जो मकसद था उनका, दैट वाज नॉट टू हार्म एनीबॉडी और टू किल एनीबॉडी. ठीक है, द पर्पस वाज टू ओपन द डेफ इयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो दैट दे कैन हियर द वॉइस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, वो जो उनका यह कहना था कि ये जो बहरे कान है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इस कान को खोलना है मुझे. इस कान को खोलने के लिए वो उन्होंने सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका था, और साथ में कुछ पैम्पलेट्स भी फेंके थे. ही वॉन्टेड टू कन्वे अ मैसेज ऑल्सो कि मैं आपको एक बहरे कान खोल रहा हूं कि हमारे फ्रीडम की मूवमेंट को आप सुने. वाइल इन जेल द रेवोल्यूशनरीज वेंट ऑन एन, और इसके बाद एक इंसिडेंट होती है कि ये इंसिडेंट के बाद, आफ्टर थ्रोइंग बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1928, वो वहां से भागते हैं, और भागने के बाद वो लाहौर चले जाते हैं.
और वहां पे इस इंसिडेंट के बाद ही हैड टू चेंज हिज अपीयरेंस. वो अपने अपीयरेंस को चेंज करते हैं, अपने बाल कटाते हैं. जैसे सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्हें बाल रखना और टर्बन्स लगाना अनिवार्य होता है. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिसेस. तो इन ऑर्डर टू चेंज अपीयरेंस वे बाल भी कटवा देते हैं, दाढ़ी सब कुछ कटवा देते हैं, सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट बाद में उन्हें चेज किया जाता है, वो पकड़े जाते हैं और उन्हें लाहौर के ट्रिब्यून में रख दिया जाता है. लाहौर की जेल पे उन्हें लेके लाहौर जेल में उन्हें रखा जाता है. वाइल इन जेल, जब जेल में होते हैं तो वहां से भी वो अपने एक्टिविटीज बंद नहीं करते हैं, वहां से भी जो कर सकते हैं वो करते रहते हैं. जैसे कि वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं और हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं 116 दिन की हंगर स्ट्राइक, और ये हंगर तब ही टूटती है, वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाय द रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज फादर एंड द कांग्रेस लीडर्स वो तोड़ देते हैं कि आप यू विल लूज योर लाइफ, तो इट इज बेटर टू एंड योर फास्ट, और हंगर ये स्ट्राइक है आप इसे तोड़ो. और फिर वो 116 दिन के बाद वो अपने स्ट्राइक को या हंगर स्ट्राइक को खत्म करते हैं. और इसी हंगर स्ट्राइक के टाइम पीरियड पे या जब वो लाहौर के ट्रिब्यून पे या जेल पे होते हैं, तब ही कांग्रेस लीडर्स और जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने के लिए जाते हैं जेल पे. और वो जेल पे जब जाते हैं तो वो देखते हैं इनकी कंडीशन, वो कितने परेशान है, कितने कमजोर हो चुके हैं. और जवाहरलाल नेहरू ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस मूवमेंट कि इतने कम उम्र में, इतने कम उम्र है इनकी और ये कम इतने कम उम्र में ये नौजवान इस तरह की चीजें कर रहे हैं अपने देश के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन. तो कुछ दिन पहले आप लोगों को ये चीजें सुनने को आया होगा कि कोई भी कांग्रेस लीडर्स जेल पे नहीं गया था, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज टोटली रॉन्ग. जवाहरलाल नेहरू पर्सनली वेंट टू लाहौर जेल टू मीट भगत सिंह, और वह वहां से उनसे मिलके आने के बाद वो उनकी कंडीशंस को कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में ये डिस्कशंस भी हुई, ये सारी चीजें. तो और 1931 के टाइम पे उन्हें फांसी दे दी जाती है. और एक इससे रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है, एक और भी कंट्रोवर्सी ये है कि गांधी डिड नॉट सपोर्ट, या गांधी ने बात नहीं की ब्रिटिश गवर्नमेंट से भगत सिंह के आजादी के लिए या उनकी फांसी की सजा को खत्म करने के लिए बात नहीं की. बट दिस इज नॉट ट्रू टोटली. देखिए, पहली बात तो आपको यह समझना है कि गांधी वॉज अ प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस, ये सबको पता है, हर एक कोई जानता है कि गांधी वॉज द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस. वो नॉन वायलेंस प्रीच करते थे, वो वायलेंस के टोटली अगेंस्ट थे. तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो वायलेंस के अगेंस्ट थे और नॉन वायलेंस प्रीच करते थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगत सिंह के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने बात की थी, बट हां उन्होंने फोर्स नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी फांसी की सजा को खत्म करने के लिए, फोर्स नहीं किया था, लेकिन बोला जरूर था, रिक्वेस्ट उनको बोला था कि इनकी फांसी की सजा हटा दो, इन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दो, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दो इन्हें. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सुना नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं सुना. तो ये थी उनकी लाइफ की हिस्ट्री कि क्या क्या इवेंट्स उनके लाइफ में हुए हैं रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट. बट इनके अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर आल्सो मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड, व्हिच नीड टू सरफेस विद इन द माइंड्स ऑफ द सोसाइटी, कि इनके अलावा भी बहुत भगत सिंह की क्या कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो चलिए हम वो भी देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग पे ही कहा, वी हार्डली रिविजिट हिज इंटेलेक्चुअलशिप बट वेनरेट हिज मार्टियरडम. हम उनके इंटेलेक्चुअलशिप की बात नहीं करते हैं या हमें पता नहीं है, बस हम क्या बात करते हैं, शहीद भगत सिंह, उनकी शहादत की बात करते हैं या उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं. बट वो क्या सोचते थे, व्हाट वॉज हिज फिलॉसफी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यह जानना बहुत ही जरूरी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट. पहली बात तो ये, वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ही वॉज इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और ही वॉज ऑल्सो प्रीचिंग वायलेंस, वायलेंस को प्रीच कर रहे थे, नॉट प्रीचिंग एग्जैक्टली, नॉट इन लिटरल सेंस प्रीचिंग, बट ही वॉज इन्वॉल्व इन वायलेंट एक्टिविटीज. बट ड्यूरिंग हिज एंड डेज, बाद के टाइम पे ये चीज उन्होंने बोला है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे फॉर अ मास मूवमेंट.
दिस इज नॉट द करेक्ट वे. द करेक्ट वे या करेक्ट अप्रोच फॉर अ मास मूवमेंट इज ओनली नॉन वायलेंस एंड दिस इज वेयर ही ऑलवेज सपोर्टेड गांधी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उन्होंने ये खुद स्वीकारा था कि वायलेंस इज नॉट द करेक्ट पार्ट. मास मूवमेंट के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वायलेंस सही रास्ता नहीं है. ये सारी चीजें नॉन वायलेंस से ही की जा सकती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मास मूवमेंट. ठीक है, इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बेयरली एट द एज ऑफ 17 इयर्स व्हेन, जैसे कि एट द एज ऑफ 17 इयर्स हिज फर्स्ट आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन मतवाला न्यूज़पेपर या मतवाला मैगजीन, अ हिंदी मैगजीन फ्रॉम कलकत्ता. 17 साल की उम्र में ही पहली आर्टिकल, उनकी पहली आर्टिकल न्यूज मैगजीन पे आ गई. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. 17 साल की उम्र में लोगों को चीजों की समझ नहीं होती सही से, और जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि बचपन से वो ही वॉज वेरी मच मोल्डेड टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी, तो वो बचपन से ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती थी. एंड ही रेड एक्सटेंसिवली, बहुत पढ़ा उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट्स यूरोप में हो रही थी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मार्क्सिस्ट, मार्क्स की थ्योरी, लेनिन के बारे में पढ़ते थे. और जैसे कि मैंने आपको, और एक चीज ये भी है कि जब वो जेल पे थे बहुत ज्यादा पढ़ा उन्होंने, जेल की लगभग मोस्टली किताबें उन्होंने पढ़ ली. और जब वो फांसी देने उनको जा रहे थे, एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो ही रिक्वेस्टेड दैट दे रिक्वेस्टेड द जेलर एट दैट पॉइंट इन टाइम कि यू जस्ट गिव मी टाइम टू कंप्लीट दिस बुक, ये बुक को मैं कंप्लीट कर लू, पढ़ लू, इसे कंप्लीट कर लू, उसके बाद आप मुझे फांसी दे देना. आई डोंट डिनाई, बट मुझे फांसी दे देना, ये किताब पढ़ लेने दो मुझे. और वो किताब वो लेनिन के बारे में थी, और लेनिन के बारे में वो किताब पढ़ रहे थे, और वो चाहता था कि ये कंप्लीट कर लू मैं, उसके बाद मुझे फांसी दो. तो पढ़ने का इतना शौक था उन्होंने, इट वॉज वेरी मच इंटेलेक्चुअल. और इनकी जो न्यूज पेपर में आर्टिकल आई थी, सबसे पहली आर्टिकल मतवाला पे, तो उसका सब्जेक्ट भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड था. यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक दुनिया, और जहां सब बराबर हो, यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. बहुत बड़ी सोच है ये फिलॉसफी, बहुत ही एक बड़ी फिलॉसफी है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अ वर्ल्ड वेयर ऑल ऑफ अस बीइंग वन एंड नन इज अदर. मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पे सब एक है, दूसरा कोई नहीं. अब सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी टर्म है, और इनकी सोच कितनी गहरी और बड़ी सोच थी. Emphatically exclaimed that as long as words like black and white, civilized and uncivilized, ruler and ruled, rich and poor, etc. उनका यह मानना था कि जब तक ये सारे वर्ड्स हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, छूत अछूत, ये वर्ड जब तक दुनिया पर रहेंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम अचीव नहीं कर सकते. In order to achieve universal brotherhood, these words are an obstacle towards achieving the goal of universal brotherhood. तो ये सारे वर्ड को टोटली नकारते थे वो. ठीक है, he preached equality. Religion should be separated from politics. उनका ये मानना था कि religion और politics दोनों अलग होनी चाहिए. It should not be mixed. कि रिलीजन को स्टेट से मत, रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से मत मिलाएं, क्योंकि एक टाइम था 1920s के अंदर, उस टाइम पे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सारे अपने अपने पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, कोई ज्यादा कोई कम, पर लगे हुए दोनों साइड से थे. तो उस टाइम पीरियड पे उनका ये मानना था कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स पर लेके ना आए, पॉलिटिक्स इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. और ही वॉन्टेड इंडिया टू बी अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सेक्युलर इंडिया चाहते थे और डेमोक्रेटिक इंडिया चाहते थे विथ इक्वल राइट. और ही यूज टू प्रीच्ड सोशलिज्म. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड एंड सैडेंड बाय द मिजरीज ऑफ द पेजेंट्स एंड द वर्कर्स. तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम दिस वीडियो. होप यू गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. आपको कुछ पता चला हो, नया पता चला हो इस वीडियो से. विल कीप आर सीरीज ऑफ पर्सनैलिटीज फॉर यूपीएससी. Thank you for watching, and please do not forget to subscribe, like, share, comment. Thank you.